तो दोस्तों हम आ चुके हैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक पर वीडियो लेकर। इस्लाम सबसे पहले किसने कबूल किया, ये रहा आपका सवाल। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया था, और ये रहा आपका ऑप्शन। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल हब्शी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और इस सवाल का सही जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और ये रहा आपका अगला सवाल, औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया था, यह है आपके ऑप्शन। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। और ये रहा आपका अगला सवाल, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया था, ये है आपके ऑप्शन। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल हब्शी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। और इस सवाल का सही जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और ये रहा आपका अगला सवाल, आजाद किए गए गुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया था, और ये रहा आपका ऑप्शन। हजरत बिलाल हब्शी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु। और ये रहा आपका अगला सवाल, गुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया था, ये है आपके ऑप्शन। हजरत बिलाल हब्शी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है हजरत बिलाल हब्शी रजी अल्लाह ताला अन्हु।